और यहाँ पे आप देख रहे हो मर्सिडीज की ब्रांडिंग। और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला हाईवे अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे आपको। वैसे न्यूज में एक दो जगह पे पढ़ा कि रोड थोड़ा सा डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। एक राइडर से मोहब्बत ना करो, उसका ना कोई ठिकाना होता है। ये देखो, वाह। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम अकोला। और ये व्लॉग भी थोड़ा डिले होगा क्योंकि एक्चुअली सीन क्या हो रहा है कि व्लॉग करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल, राइट ना। तो राइट ना मैंने सोचा कि ऐसे ज़बरदस्ती व्लॉग बनाने से अच्छा अगर कुछ होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फिर तो अपना व्लॉग बनते ही रहेगा आगे जाके, है ना काजू। वैसे जाने के लिए मैं आसपास कहीं पे जा सकता हूँ बाइक लेके, लेकिन दो तीन दिन में मुंबई जाना ही है तो अभी इतना ट्रैवल करके कोई पॉइंट नहीं लग रहा मुझे। जब मैं वापस आऊँगा तब मैं ट्राई करूँगा, है ना काजू। चल बाहर ये। तो अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने एक स्टोरी देखी होगी जहाँ पे मैंने टी शर्ट्स शॉपिंग के लिए गया था मैं, और ये बढ़िया सा टी शर्ट मैंने देखा। और यहाँ पे आप देख रहे हो मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग। सो दिस इज़ पूमा मर्सिडीज़ एडिशन। कितना मस्त लग रहा है यार, ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं पहन सकता हूँ लेकिन अभी मैं थोड़ा गंदा हूँ, आई डोंट वॉन्ट दिस टी शर्ट टू गेट डर्टी। एक्चुअली ठाकुरान जी की फैमिली मतलब ससुर जी और सासूमा की तरफ से है। एक्चुअली क्या होता है, नेमिंग सेरेमनी जब होती है बच्चे का तब कपड़े देते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब हम चूज़ करें उससे अच्छा आप ही अपनी चॉइस के ले लो। और फिर और वैसे एक ब्लू जीन्स भी ली गए। जीन्स मैं अच्छी क्वालिटी की यूजुअली लेता हूँ क्योंकि वो सालों साल तक चलती है। और हाँ, मुझे एक और चीज़ का रिकमेंडेशन चाहिए आप लोगों से, दिखाता हूँ। तो ये है ठाकुरान जी की एप्पल वॉच सीरीज़ 1। ये वॉच का अचानक अभी तो बैटरी डाउन है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसकी बैटरी जो है कोई भी एप्पल वॉच की एक दिन डेढ़ दिन बस दैट्स इट। मेरे को ना ये रोज़ चार्ज करना इरिटेट होता है, मैं भूल जाता हूँ। जब भी मुझे वॉच का काम पड़ता है तब इसकी बैटरी नहीं होती ससुरा। और आजकल ना अचानक से इसका टच स्क्रीन ही काम करना पड़ गया, मतलब सिर्फ इसका डिस्प्ले दिख रहा है और कॉलिंग वॉलिंग किसका आ रहा है बस दिख रहा है, आई कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग। पता नहीं क्या हो गया। तो बैटरी के लिए आई एम नॉट गोइंग टू बाय एप्पल वॉच। अगर आप लोगों के पास कोई और रिकमेंडेशन है डिसेंट वाली वॉच, मतलब बहुत महंगी नहीं, एप्पल वॉच सीरीज 7 जितनी महंगी नहीं, डिसेंट वाली वॉच, तो ज़रूर मुझे बताना। अगर एप्पल वॉच की बैटरी 3 से 4 दिन भी होती ना फिर भी बहुत था, लेकिन उतनी भी नहीं है यार। ये देखो, सुबह से इसको बाहर जाना है, एक्टिवा पे बैठा हुआ है, और जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा पागल जैसे चिल्लाने लगेगा। पता नहीं इसको क्या हो जाता है जब भी बाहर जाते हैं। एक आज गाड़ी और कैसा बसला। काफ़ी लोगों को पता होगा वर्सेस 650 नई वाली लॉन्च हो चुकी है, वैसे खरीदने की काफ़ी इच्छा है लेकिन कैसा अभी थिंग्स हैव चेंज्ड, बच्चा हो गया है तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, इसीलिए फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी उस पर फोकस करना है तो उसके लिए नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। नॉलेज कहाँ से आएगी, पढ़ने से। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि पढ़ने का टाइम नहीं रहता, स्पेशली आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम स्पेशली फॉर रीडिंग, और कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता, इसीलिए आई प्रेफर कि ऑडियो बुक सुनूँ। मतलब कैसा, मैं रोज़मर्रा के काम करता हूँ उसमें मैं ऑडियो बुक आराम से सुन सकता हूँ, मुझे सारा नॉलेज भी मिलता है और मेरे काम भी होते रहते हैं। तो यूजुअली मैं ऑडियो बुक्स राइडिंग या ट्रैवलिंग के टाइम सुनना पसंद करता हूँ। करंटली मैं रिच डैड पुअर डैड ये ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। ये ऑडियो बुक आपको प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियली एजुकेट भी करती है ताकि आप आपके इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस से और ज़्यादा पैसा कमा सकें। अगर आपको आपके फाइनेंशियल स्ट्राइट स्ट्रॉन्ग करनी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये ऑडियो बुक सुने कुको एफएम पे। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद मोर देन 4.5 स्टार रेटिंग। इनफैक्ट आप इस पे 4000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल ऑडियो बुक्स को एक्सेस कर सकते हो और काफी सारा नॉलेज गेन कर सकते हो अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। तो कुको एफएम पे आप इन ऑडियो बुक्स को बड़े आराम से कभी भी और कहीं भी सुन सकते हो इन लॉट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। दिस इज अ मेड इन इंडिया ऐप और इसको यूज करना काफी ज्यादा सस्ता है, जस्ट 399 rupees पर ईयर। लेकिन अगर आप पहले 250 कस्टमर्स में से है जो मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 50% स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा जस्ट 199 rupees पर ईयर, विच इज वेरी वेरी सस्ता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करना। तो पिछला ब्लॉग आपने देखा, मैं अमरावती से अकोला है, अभी ये वाले ब्लॉग में मैं अकोला से वापस अमरावती जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी हम मुंबई जा रहे हैं तो वापस से राइड इमीडिएटली होगी नहीं, हम मतलब मैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था जब मैं अकोला एंटर किया तब मैंने बताया था आपको कि अकोला का जो फेमस फ्लाईओवर बना है अकोला वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, वो आपको दिखा भी देता हूँ और तेंदुए को भी वहाँ पे थोड़ा घुमा लाता हूँ। तो पिछले ये वाले ट्रिप में मैं गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हाईवे पे, जो हाईवे 4-5 दिनों में बना था। अभी जाके अपन नुमाइना करेंगे कि वो हाईवे की कंडीशन क्या है। अब रिकॉर्ड टाइम में रोड बना है तो रिकॉर्ड टाइम में ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं, तो आज हम उसका नुमाइना करेंगे। फिलहाल के लिए फ्लाईओवर शुरू। ओहो, और ये मेरे स्कूल।
यार मैं जब भी मेरे स्कूल को देखता हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत बड़ी स्कूल है। ये देखिए फ्लाईओवर स्टार्टेड। अभी आई नो मैक्सिमम लोगों को क्या ही फर्क पड़ रहा है, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल फ्लाईओवर फॉर देम, लेकिन भाई हमको बहुत खुशी हुई है ये सब बनने के बाद। वाह, और नीचे पूरा मार्केट एरिया के चौक है, तो बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है, और एक अंडरपास भी बना हुआ है। और ये फ्लाईओवर का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी फ्लाईओवर, और जो टनल छोटा सा बना है उसको मैं बोलता हूँ अटल टनल, अकोला का अटल टनल। चलो सही है सही है सही है, बस ये सही नहीं है, ये रॉन्ग साइड है मेरे भाई, क्या कर रहे हो। अमरावती जाने की मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है बेबी का चेहरा देखना, बेबी से मिलना, उसके साथ खेलना, मजा आता है यार, कितना अच्छा लगता है। तो कल है बेबी की नेमिंग सेरेमनी, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको जेंडर पता चली जाएगा। एक्चुअली अब तक पता चल जाता है, लेकिन मैं अकोला आ गया और फिर उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं डाला, इसीलिए आई कुडंट। नेक्स्ट वीडियो में पक्का शायद नाम भी आपको बता दूं। यार ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस बचपन से मैं देख रहा हूँ, लाल कलर की है, वही गाड़ियाँ है यार, नई भी लाल कलर की वही सेम मिल रही है। और अगर बचपन से मैं देख रहा हूँ वही बसेस अभी तक चल रहे, तो मानना पड़ेगा भाई, इतनी रफ एंड टफ गाड़ियाँ तो कभी बनती नहीं होगी। एक अजीब सी गर्मी हो रही है, वेरी श्योर कि बारिश आएगी, एकदम ह्यूमिड ह्यूमिड सा फील हो रहा है। ये देखो बड़े जोरों शोरों से काम शुरू है। सही है, ठाकुरान जी का फ़ोन आया था कि अमरावती में बारिश शुरू है, तो आई होप मैं पहुँचने तक बारिश ख़त्म हो जाए, आई होप। वैसे पता नहीं दो दिन से मुझे बड़ा पहाड़ों में जाने का मन कर रहा है। आई नो कि अभी एक महीने पहले ही मैं जंस्कार से आया हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, करूँ क्या, मैं करे तो कहाँ करे, जिए कि नहीं, देखते हैं ऊपर वाला, जब चाहेगा तब हो जाएगा। फिलहाल तो अभी अभी जाके आए तो अपना मन भरा हुआ है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला हाईवे अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, और फिर हम अंदाज लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे आपको कि रोड की कंडीशन कैसी है। वैसे न्यूज़ में मैंने एक दो जगह पे पढ़ा कि रोड थोड़ा सा डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, तो आज सीधा आंखों देखिए आपको दिखाऊंगा। वैसे दोपहर का जो वक्त होता है ना, ये मीठी मीठी नींद वाला वक्त होता है, स्पेशली खाना खाने के बाद, ऐसे मेरी आंखें ऐसी गिरी हुई है, अजीब सा लग रहा है। तो लो जी आ गए हम वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हाईवे पे, यहाँ से काम शुरू हुआ था और फिलहाल तो सही है। वैसे आई डोंट थिंक खराब वराब हुआ होगा इतना, अब छोटी छोटी जगह पे शायद हो गया होगा। तो 35 किलोमीटर टेंशन नहीं, और इसके बाद बस 20 मिनट बाद ही बडनेर अमरावती आ जाएगा, तो आई थिंक मैं पहुंच जाऊंगा मैक्सिमम 40-45 मिनट्स में। वैसे आप लोगों ने नई वर्सेस 650 2022 मॉडल लॉन्च हुई वो देखी कि नहीं देखी, क्या मस्त लग रही है यार, और प्राइसिंग तो उससे भी मस्त है। वाह, मतलब कंपेयर टू राइवल्स जो भी कॉम्पिटिशन है उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया प्राइसिंग है। मुझे लगता है कि 9.5-9.5 तक ऑन रोड हो जानी चाहिए। कलर डिस्प्ले प्रॉपर वाला, और उसके ऊपर राइडिंग मोड्स भी है, डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी। कोई बात नहीं तेंदुआ, तू और चलेगा, डोंट वरी, 2 साल तो आराम से चल जाएगा, वैसे तो चलाने को तो 5 साल भी चल जाएगा। वैसे कोई डैमेज तो मुझे दिख नहीं रहा है, जिस प्रकार से मैंने 2-3 न्यूज़ देखी है सो फार कोई रोड पे डैमेज है नहीं, रोड तो अच्छा ही है। अभी छोटा मोटा डैमेज रहेगा तो वो हो सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मतलब ओवरलोडेड ट्रक्स बहुत चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है। सो फार ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर हो चुके हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ, एक्चुअली मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई डैमेज मिलता है क्या, मुझे अब तक फ्रैंकली कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे जो डांबर की लेयर है वो काफ़ी पतली दिख रही थी, एक्चुअली वो मुझे भी पतली लग रही थी, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता होगा। ये देखो रोड की हाइट देखो और ग्राउंड की हाइट देखो, बहुत फ़र्क है। तो ये अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज़ करके अलग अलग लेयर्स बना के ये लोग इतना ऊपर करते हैं और फिर उसके बाद ये सब करते हैं, बट टेक्निकली मुझे नहीं पता। अब जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई दबता होगा और इतना ईजिली डैमेज होता होगा रोड, बिकॉज इसके नीचे का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो बाजू हटो बाजू हटो बाजू हटो, हमको हमारे बच्चों को देखना है, बाजू हटो। क्या मशीन है यार, ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। वातावरण में ठंडाहट और अनुकूलता आ चुकी है। वैसे ये वाला रास्ता राजा जालना और औरंगाबाद जाता है, औरंगाबाद नहीं, अभी औरंगाबाद नहीं रहा, संभाजीनगर। तो दोस्तों ये सुहानी हसीन शाम को देख के एक शेर अर्ज है कि एक राइडर से मोहब्बत ना करो, उसका ना कोई ठिकाना होता है, बेवफा नहीं हो सनम, उसे सफर पे जाना होता है। वाह क्या बात है,
पता नहीं ऐसे सब सब मेरे मुंह से कैसे निकल जाता है जब भी मैं बाइक पे होता हूँ, अजीब होता है, वैसे तो नहीं होता। तो इसी बात पे, इसी शेयर पे लाइक जरूर ठोकना, और सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं ठोका तो उसको भी ठोक दो, जोर से ठोक दो। माइक चेक हो गया शुरू? हाँ हो गया। स्पेशली गोप्रो चालू करने के लिए मैं रुका हूँ, ससुर हैंग क्यों होते रहता है पता नहीं। लो आ जा बेटा राजा। नागपुर इज 162, नागपुर जाना है तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तेंदुआ लेके नागपुर 100% अपने अक्की भाई से भी बात हो चुकी है, नागपुर जाएंगे और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। और अभी अभी टकुरन जी से मेरी बात हुई है, बेबी को स्पेशली मेरे लिए उठा के रखा है ताकि मैं जाऊँगा और एकदम से मतलब सोए हुआ रहेगा बेबी, तो यार फिर क्या है, फिर तो वेट करना पड़ेगा ना। बोलते बोलते 15 डेज हो जाएंगे कल बेबी को पैदा हुए, बाप रे क्या टाइम फास्ट जाता है यार, ऐसे बोलते बोलते ना एक साल भी हो जाएगा देख लेना। वाह वाह वाह, कितनी सही खूबसूरत ब्यूटीफुल अद्भुत अलौकिक शाम है, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है यार। ऐसा अगर वेदर रहा तो दिन के 24 घंटे भी मैं राइड कर सकता हूँ, ऐसा अगर वेदर रहा तो। आ गए जी, अरे वाह बाहर क्या बात है, ओह अरे बाप रे ये क्या हो गया, मेरे आने की खुशी में? सही है, किसको बोल रहा हूँ कोई है ही नहीं। चलो पहले फुर्सत में पहले बेबी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलो बस वीडियो एंड करने का समय आ चुका है, लेकिन वीडियो एंड करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्सल मैं खोलूँगा। सबसे पहले अपना जो आईफोन का केस है वो देख ले, काफ़ी अच्छा केस है ये, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक साल के ऊपर हो गया इसको यूज़ करते हुए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एक इंटरेस्टिंग केस मंगाया जाए। वैसे इसको मैंने खोल लिया है लेकिन वीडियो के लिए मैंने स्पेशली रखा क्योंकि चीज़ ही कुछ ऐसी है। ये देखो वाह, तो ये देखो कावासाकी ब्रांडिंग वाला केस और ग्लॉस फिनिश है, इसके ऊपर एक्चुअली ग्लास है शायद फाइबर ग्लास, और उसके नीचे वो प्रिंट है, प्रिंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इट लुक्स लाइक कार्बन फाइबर। ये वाला पार्ट ये जाएगा इस पर, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह अभी एक्चुअली सूट होगा, मतलब देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो लेट्स एंड दिस वीडियो। ये जो हाईवे था रिकॉर्ड टाइम वाला, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब ऐसा कोई ख़राब हुआ नहीं। न्यूज़ में इधर उधर छोटे ऊपर नीचे बातें होती रहती है, न्यूज़ पे कितना बिलीव करना चाहिए आज के ज़माने में वही थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है, इसलिए मैं पूरा 100% बिलीव करता नहीं हूँ। चलो दैट्स इट, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बीबी का जेंडर पता चल जाएगा और शायद नाम भी पता चल जाएगा, क्योंकि आज है नेमिंग सेरेमनी और कल मैं निकलूंगा मुंबई के लिए, अपना टिकट हो चुका है। मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, काफ़ी कुछ आने वाला है, कुछ दिन रुको बस।